मैं अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास आऊंगा, थोड़ा सा देर और वेट करिए, मैं आऊंगा आपके पास। सुशील पंडित बोला कुछ चाह रहे, फिर आर के मल्होत्रा, लेकिन सुशील पंडित इस सवाल के साथ, क्योंकि आप कश्मीर को अच्छे तरीके से समझते हैं और सर हमें मालूम है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से कश्मीर में ये तनाव है जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है, सर उनको क्यों नहीं क्रैक डाउन कर पा रहे हैं हम, क्योंकि 90 दिन हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पिछला जो 130 या 135 दिन का कर्फ्यू लगा था शायद उसकी तरफ ही बढ़ता दिख रहा है कश्मीर। हालांकि एक मिसाल बड़ी अच्छी मिली, जब सेना के जवान फंसे तो उन्हीं कश्मीरी युवकों में से कुछ ने उनको बचाया भी, तो ये बड़ा देख के अच्छा लगा कि अभी भी कश्मीर में ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कश्मीर में देशभक्त लोगों की कमी नहीं है, केवल हमारी व्यवस्था को, हमारे नेतृत्व को उनके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है, उनको संबल देने की, उनको आत्मविश्वास देने की आवश्यकता है, जो पिछले कई वर्षों में नहीं किया गया, क्योंकि हम केवल उन लोगों को पुचकारते सहलाते रहे जिनका इस देश पर विश्वास नहीं है, जो अलगाव की बात करते हैं, और हम किसी तरह उनकी लॉयल्टी, उनका विश्वास जीतने की कोशिश करते रहे, जो हमारे साथ खड़े हैं, हमने उनकी अनदेखी की। आज इन्हीं में से कुछ लोग निकल करके आए और उन्होंने सेना को बचाया। मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि जो कल पत्थर फेंक रहे थे उन्होंने आज सेना को बचाया और परसों फिर पत्थर फेंकने निकल जाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, इस तरह के बदलाव नहीं आया करते, लेकिन उन पत्थर फेंकने वालों में से ही, उनके पड़ोस में से, उनके मोहल्लों में से, उन्हीं के समाज में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जब पत्थर फेंके जा रहे थे तो किसी तरह अपने को उस समूह से अलग रखते थे और आज उनकी आवश्यकता पड़ी है तो वो बाहर निकल करके आए हैं, और ऐसा बहुत बड़ा समुदाय है जिनके साथ हमें कनेक्ट होने की आवश्यकता, संबल देता है हमें। लेकिन सबसे बड़ा इशू यहां पर यह है कि पाकिस्तान भी जानता है, चीन भी जानता है कि सीमा पर भारत, भारत की सेना और भारत की सुरक्षा मुस्तैद है, पुख्ता है, वहां पर भारत को नहीं हिलाया जा सकता। उनकी आशा का और उनके कैलकुलेशन में केवल एकमात्र कमजोर कड़ी है जो भारत के भीतर है, सीमाओं के बहुत गहरे अंदर है, वो भारत के कैंपसेस में है, वो भारत की ब्यूरोक्रेसी में है, वो भारत की पॉलिटिक्स में है, वो भारत की सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस में है, ठीक है। आज वो उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, वो मीडिया के माध्यम से एक्टिवेट कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स आ रहा हूं आपके पास, जिन लोगों को इन्होंने सालों चंदा दिया है, जिन लोगों के साथ इन्होंने बैठकर लंबी लंबी वार्ताएं की हैं, जिन लोगों के साथ इन्होंने तरह तरह के फॉर्मूले इजाद किए थे पहले, चाहे वो सियाचिन दे देना हो, चाहे सर क्रीक के ऊपर किसी तरह का ले दे के मामला तय करना हो, ठीक है, उन लोगों को आज वो एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि देश दिग्भ्रमित हो, ठीक है। 10 तरह के बयान, एक कहता है ये कि फेक सर्जिकल स्ट्राइक थी, दूसरा कहता है कि दलाली थी, तीसरा कहता है बहुत अच्छा किया लेकिन पाकिस्तान का मुंह कैसे बंद करेंगे, चौथा कुछ और कहता है। इस तरह के अनर्गल प्रलाप में आपको वो साजिश दिखाई पड़नी चाहिए जो भारत को अंदर से कमजोर करने की है। गौरव जी, मैं आलोक शर्मा आ रहा हूं, एक मिनट दीजिए, आ रहा हूं। आर के मल्होत्रा कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड में इनकी बात भी हो जाए, फिर आप दोनों को पूरा वक्त दूंगा क्योंकि आप दोनों के पास बहुत देर से नहीं आए हूं। आर के मल्होत्रा 30 सेकंड में देखिए, और इस दौरान हमें एक चीज और बता दें कि जैसा कि विक्रम सिंह साहब ने कहा, हम कोई प्लान किसी का या हम किसी की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में कुछ बताना नहीं चाह रहे, लेकिन एक चीज जो हमें पता है वो अपने देश की जनता को बताना चाहते हैं कि संसद पे वो दौर गया जब आतंकवादी हमला हो गया, आज संसद की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि 10 बार आतंकवादियों को सोचना पड़ेगा कि वो संसद पर कुछ कर सके। इस ग्राफिक्स के जरिए हम केवल इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि कहा जाता है कि हर रोज हर रात आपको भाग्यशाली होना है किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए, लेकिन आतंकवादियों को बस एक बार कामयाब होना है अपने आतंक मंसूबे को कामयाब होने में। तो फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था हमारे बहुत काबिल हाथों में, इतना भरोसा रखिए, और अभी लेकिन और अलर्ट रहने की जरूरत है, ये जरूर आपको याद रखना है और हम सबको याद रखना है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। आर के मल्होत्रा, देखिए राजनीतिक बहस होने से पहले हमें पूरा समझ लेना चाहिए कि आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति यह है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ बॉर्डर्स को विजिट कर रहा है, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्राइक कोर, वो कोर जो एक ऑफेंसिव में जा सकती है, उसके साथ बातचीत की है, पाकिस्तान के अंदरूनी बहस शुरू हो गई है जहां पाकिस्तान आर्मी की ताकत को क्वेश्चन किया जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए है बिकॉज पहली मर्तबे हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने खुद कुछ करके दिया, रिएक्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली हम कुछ करेंगे उसका रिएक्शन होगा। और कश्मीर की हालत क्या है? कश्मीर की हालत यह है कि उसके अंदर सिर्फ 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां ये उथल पुथल होती है, लेकिन उन्हीं डिस्ट्रिक्ट ने कश्मीर के नाक में दम किया हुआ था,
और जब हम ऐसी सिचुएशन ले आए कि उन पे हावी करें, तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि वो अपना दोबारा सिर उठा सके। लेकिन आपकी बयानबाजी और जो कुछ हमारी राजनीति हो रही है, उससे क्या हो रहा है? पंपोर में आज हो रहा है। पंपोर में है क्या? सड़क के किनारे है वो जगह, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और इससे पहले भी हो चुका है। सैयद सलाहुद्दीन का बेटा उसमें काम करता, ये हमें मालूम है। लेकिन आज का फर्क और पिछली की स्थिति का फर्क क्या है कि पहले जब हम गए थे उधर तो लोग इकट्ठे हो गए, पथराव करने हो गए। आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो इसको अगर स्थिति को संभालना है तो ये राजनीति बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब आप अपने अपने राजनेताओं से बात लेंगे। और बहुत देर से इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तारीफ करनी होगी सर आप दोनों की। लेकिन अब मैं आपको वक्त दूंगा और आप प्रॉपर जवाब दीजिए अपने। जफर इस्लाम से शुरू करूंगा मैं। जफर इस्लाम, तमाम चीजें आपने सुनी, सरकार में आप हैं, आलोक शर्मा उसके बाद आऊंगा आपके पास, सरकार में आप हैं और छोड़ दीजिए राजनीति, आपका विपक्षी दल आपका साथ दे रहा नहीं दे रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से ये बताइए कि ये सारी चीजें जो कही जा रही हैं, ये सरकार में विचार मंथन इस पर हो रहा है और बदले का कोई नापाक प्लान किसी भी स्तर पर, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे देहरादून में हो, ये सरकार कामयाब नहीं होने देगी और कम से कम इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होगी। और फैक्ट्स के साथ रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देखिए, जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो या इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, उस मामले में सब पूरे हर पॉलिटिकल पार्टी को एक सुर में बात करना चाहिए। तो मैं ये आग्रह करूंगा कांग्रेस से भी, और मैं भी इससे परे रहूंगा कि इंटरनल सिक्योरिटी मामले में कोई तूतू मैं या एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट करे। ये बात सही है, ये बात सही है कि जब हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, चाहे ये पहला हुआ, इस इशू में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमने आतंकवादियों के ठिकाने को जब हमारे सेना जाबाज सेनाओं ने जब नस्त नाबूद किया, उसके बाद ये स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के द्वारा और उसके आतंकवादी संगठनों के द्वारा वहां से कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होंगी। उनके कुछ स्लीपर सेल के लोग यहाँ पे, जैसे डीजी साहब, पूर्व डीजीपी साहब कह रहे थे, और कुछ ऐसे संगठन होंगे यहाँ पर, ऐसे जो लोग होंगे जो हमारे अंदर बैठे होंगे, हमें पता नहीं उनके बारे में, लेकिन वो ऐसे काम, नापाक काम करने, अंजाम देने के ताकत रखते हैं या उनकी शैली है कि ऐसा कर सकते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते जब ये सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उससे पहले हमारी सरकार ने इस बात की बड़ी गहरी ढंग से सोच विचार किया कि ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये स्वाभाविक है कि रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो उसका हमें हर तरह से मुंहतोड़ जवाब देना होगा ताकि हमारी जो जनता है सुरक्षित रहे। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारे चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, चाहे हमारे जो हमारी जो सरकार की सीनियर लीडरशिप जो इंटरनल सिक्योरिटी पे है, वो बात हो, या फिर हमारे जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड टीम है, सब इस बात को काफी मंथन किया गया है इसका, और इस बात पे पूरी तौर से फोकस। चलिए, आप भरोसा दिला रहे हैं तो देश जरूर आपके ऊपर भरोसा करेगा, क्योंकि कोई 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 वजह नहीं भरोसा ना करने की, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार पे ही सारी जिम्मेदारी है और हम भरोसा करते हैं जिस तरह से सरकार। गौरव साहब, हाँ सर, बोलिए, जल्दी फिर कांग्रेस के पास जाना है, बोलिए। गौरव साहब, एक सेकंड, ये त्योहारों का सीजन है, ये भीड़ भाड़ एक जगह होने वाले हैं, हम सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करेंगे अपने दर्शकों से कि वो लोग भी जब ऐसी कुछ ही चीजें देखें जिससे उनको जरा सा भी शक शुबा हो, तो अपने करीबी पुलिस स्टेशन या ऐसे जगह पर जहां पर इनकी जानकारी जरूर दीजिए।